इस समय हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, युवा नेता हैं महाराष्ट्र के और उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना के युवा प्रमुख आदित्य जी हमारे साथ हैं। खास मुलाकात है, सारी बातें खुलकर होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आदित्य जी भी खुलकर सारे सवालों का जवाब देंगे। आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि शायद न्यूज 18 ने भी नाम सामना करना चाहिए। मेरे 5 से 6 ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज इसी पे हो गए हैं। लेकिन ये थोड़ा सी अच्छी बात है कि आप इतने कवरेज कर रहे हो हर एक पार्टी की, तो अच्छी बात है। आदित्य जी पहला सवाल ये रहा कि 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। 2019 में भी हमने भाजपा पर विश्वास रखा था, पूरे देश ने भाजपा पर विश्वास रखा था। ऐसे लगा था तो चलो 5 और साल देते हैं, कुछ ना कुछ बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती है। लेकिन और ही खराब होते गए। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और 10 साल के बाद अगर आप देखिए तो भाजपा महंगाई पर नहीं बात करी है, बेरोजगारी पर नहीं बात करी है, ना नोटबंदी पर बात करी है, ना GST पर बात करी, ना स्वच्छ भारत, ना किसी और पर बात करी, तो मटन मांस मच्छी पर बात करिए विपक्ष का पहनता है। 10 साल के बाद जिसके पास बहुमत की सरकार हो, ये अपेक्षित नहीं है कि आप इधर उधर की बातें करें, मुद्दे की बात कीजिए। अरे जी 2019 में जो आपके साथ थे वो आपके खिलाफ हो गए हैं, और जो आपके खिलाफ थे वो आपके साथ हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन देश भाजपा के खिलाफ हुआ है, क्योंकि देश अभी सत्य के साथ खड़ा है। एक ही भूल कमल कपूर नहीं करेंगे हम। लेकिन आदित्य जी बार बार ये सवाल खड़े होते हैं कि वादा किया गया था, रूम के अंदर कमिटमेंट हुई थी, 2.5 साल की बात हुई थी, बीजेपी ने क्लियर कट बोलते, तो कोई ऐसी बातें नहीं हुई थी, फिर लक्ष्मण रेखा किसने पार की? चलो हम अपनी तो पर्सनल बातें बाजू में रखते हैं, जो देश को वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, कहाँ गया वो होल्डिंग? जब रुपया डॉलर बराबरी में आने वाला था, कहाँ गया वो वादा? किसानों का जो इनकम है वो दुगना होने वाला था, कहाँ गया वो वादा? जो हर एक के अकाउंट में 15 लाख आने वाले थे, अच्छे दिन आने वाले थे, हर एक को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलने वाला था, कहाँ गए ये वादे? तो अपने तो वादे, चलो निजी वादे जो है या पार्टी के जो समझौते होते हैं वो चलो बाजू में रखते हैं, देश को जो वादे किए थे वो क्यों नहीं आप पूरे कर रहे हो? चाइना के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? किसानों पे क्यों अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? किसानों पे क्यों लाठीचार्ज किया आपने? क्या इस, लेकिन वो मैं फिर उसके सवाल पर, क्या कोई ऐसा कमिटमेंट हुआ था? यही हुआ था, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये तो अभी लोकसभा की बात है ही नहीं, ये दोनों पार्टियों के बीच में हुई। हम जो लड़ रहे हैं वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज देश के संविधान धोखे में है, लोकतंत्र धोखे में है, और इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। लेकिन बार बार ये सवाल खड़े होता है कि आखिरकार जो 40 विधायक अचानक चले गए, उनसे भी हम लगातार बातचीत करते आते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, हमारे काम को जो दिया था तो उसमें इन्वॉल्वमेंट काफी था, आपको डायरेक्ट नाम लेके बोलते कि बार बार उनके उनका कोई रोल आउट नहीं था, फिर भी हर बार डिसीजन वही लेते थे, इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे थे, ये क्या सही है? पहले कहा था हिंदुत्व के लिए गए, फिर कहा था अजीत पवार साहब फंड नहीं देते, फिर कहा था NCP पार्टी खत्म करी, अभी साथ में बैठे तो मुझ पे आ गए। चलो सामने बैठाओ मेरे, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ, बातें करके आप मॉडरेट कीजिए। लेकिन बार बार यही फिर से ये हो रहा है कि हिंदुत्व, अब जनता भी कंफ्यूज होगी, असली हिंदुत्व कौन है, किसके पास है, असली शिवसेना किसके पास है, कौन है असली शिवसेना? जनता कंफ्यूज नहीं है, जो ये जो मिंदेकट है वो कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन झूठ बोल रहा है, सबको पता है। अगर इतनी हिंदुत्व की बात है तो जिसने, जिस आमदार ने, जिस विधायक ने गणपति बाप्पा की मिरौनुक में लोगों पे फायरिंग करने की कोशिश की, बंदूक दिखाई, उसको आपने सिद्धिविनायक का ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बनाया, ये आपका हिंदुत्व है? जो इकबाल मिर्ची के दोस्त है उसको भी आपके पार्टी में लिया, जो दाऊद के पार्टनर थे उनको आपने पार्टी में ले लिया, तो ये क्या आपका हिंदुत्व होता है? लेकिन ये मैं, आप जब भी महाराष्ट्र के जो मौजूदा CM एकनाथ शिंदे, कभी आप उनका नाम, पूरा नाम और कभी नाम सही चीज हमेशा मिंदे बोलते हैं, ऐसा क्यों? जो डरपोक है उनके बारे में क्या नाम ले? डरपोक का नाम हम महाराष्ट्र में लेते नहीं, ये स्वाभिमान की भूमि है, ये आप देखें तो हिम्मत की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, छत्रपति शिवराय की भूमि है, यहाँ डरपोक को स्थान नहीं है। अरे जी आप इतने रैली कर रहे हैं, इतने इतने सपोर्ट्स आपको मिल रहा है, सिंबल 25 साल से जो सिंबल आपके साथ था, हृदय समाज बाला साहब ठाकरे के साथ था, आई मीन उद्धव जी के साथ था, ये 25 साल बाद वो सिंबल अचानक चेंज हो गया, तो क्या लग रहा है कि पब्लिक सिंबल को लेकर कंफ्यूज होगी, क्योंकि धनुषवान लोगों के मन, दिल, दिमाग में बैठा हुआ है? बिल्कुल, कई दिनों के लिए, चंद लम्हों के लिए वो गए हैं चोरों के हाथ में, लेकिन हमारी मशाल जो है वो देश में जो आज अंधकार देख रहे हो आप, उसको दूर करेगा। उद्धव जी ने काफी इमोशनल उस दिन मैं उनके भाषण सुन रहा था कि उन्होंने कि पर्सनल अटैक हुए उनके ऊपर, उनको उनको बोले कि नकली शिवसेना है, नकली संतान है, इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री
हमारे राज्य में आके, ये सब बाहर के लोग हमारे राज्य में आके नकली सेना को नस्ली सेना कौन, नकली राष्ट्रवादी को नस्ली राष्ट्रवादी कौन, जिन्होंने हमारी पार्टी फोड़ी, वो ऐसे बयान कर रहे हैं। चलो ये भी कम नहीं है, तो पवार साहब को भटकती आत्मा, जिसका बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, बहुत ही गंदा कॉनोटेशन होता है, और उद्धव साहब को नकली संतान, ये हम हमारी दादा और दादी का अपमान मानते हैं। और ये आपको आके हमारे परिवार का, महाराष्ट्र का अपमान करने की जरूरत क्या है? 10 साल के काम दिखाइए, इतनी निजी बात पे जा रहे हो, नकली संतान कह रहे हो, ये इस लेवल पे गिरना मुझे नहीं लगता किसी के लिए मुमकिन होगा जो आज हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी ये भी कहा कि अगर कभी भी ठाकरे फैमिली को कुछ भी क्राइसिस होगी सबसे पहले वो आएंगे। मुझे लगता है हम हमारे बारे में नहीं सोच रहे, महाराष्ट्र के बारे में सोच रहे, और बीजेपी ही वो पार्टी है जो महाराष्ट्र को खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र के बारे में उनके मन में इतनी द्वेष है, विष है, वो दिख रहा है। पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, अगर वो हिंदू मुस्लिम भेदभाव रखेंगे तो ये सब कुछ राजनीति है वो जो छोड़ देंगे। फिर राजस्थान का भाषण कौन सा था, आज का भाषण कौन सा रहा, तो फिर किस बयान को हम माने? जैसे हमारे बारे में भी एक बार कहते प्यार है, एक बार कहते नकली संतान है, तो किस बयान को हम माने ये तो पता है। और इसलिए जो जुमले थे 2014 के, उसको सिर्फ रीबैंड किया गारंटी करके, लेकिन विश्वास रखना मुमकिन नहीं। अरे कभी कोई ऐसा मतलब बहुत ही फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, उद्धव जी हाथ मिला सकते हैं, फिर से जो 25 साल पुराना गठबंधन है क्या पॉसिबल है? देखिए 25 साल का जो हमारा गठबंधन था वो वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, महाजन काका, मुंडे काका के बीजेपी के साथ था। उसी गठबंधन में बहुत सारे जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे गोपाल शेट्टी जी हो, विनोद तावड़े जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, राज पुरोहित जी हो, पूनम महाजन हो, ये सारे लोग थे। आज वो कहाँ है? आज जो 5 प्रमुख चेहरे हैं भाजपा के महाराष्ट्र में, तो ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। 2019 के बाद के इम्पोर्ट है, 2022 के इम्पोर्ट है, तो किस भाजपा की बात करें? और फिर दूसरी बात यही रहती है, सबसे अहम बात यही है कि जो संविधान के विरोधी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी है, जो लोकतंत्र के विरोधी है, उनसे समझौता नहीं हो सकता। कभी नहीं। जब तक संविधान के खिलाफ भाजपा है, जब तक लोकतंत्र के खिलाफ भाजपा है, इस तानाशाही वाले भाजपा से हो नहीं सकता। अगर शिंदे कैंप या फिर जो 40 विधायक छोड़ के गए हैं वो वापस मातोश्री आना चाहें तो? बिल्कुल दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, ना कोई गैप ना कोई पीप होल, कुछ भी चांसेस। देखिए कैसे है कि बहुत अपने इतिहास में, अगर राजकीय इतिहास देखें अपना, अपने देश का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पार्टियां बदलते हैं, खुद के एम्बिशन के लिए हो, कभी कुछ विचारधारा बदल जाए तो जाते हैं, कभी आते हैं वापस, लेकिन एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है कि आप अपने पद का, अपने चुनावी पद का इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, जीते तो आप वहाँ खुश रहिए। आज अगर वो आप बात देखें तो ये 40 जो लोग गद्दार भाग के गए वो डरपोक थे, और डरपोक को शिवसेना में स्थान नहीं है। ये जो गंदी राजनीति कर रहे थे, जिस तरह वो गुजरात भाग गए, गुवाहाटी भाग गए, जिस समय पे उद्धव जी ने इस्तीफा दिया, तब गोवा के टेबल पे आपने देखा होगा किस स्थिति में नाचे, कैसे कौन टेबल पे नाचता है, जैसे बारडांग चल रहा हो वैसे कुछ नाचे ये लोग। ऐसे लोगों को, ऐसे ढीले कैरेक्टर्स को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को कैसे हम पार्टी में ले सकते हैं? हम तो अभी शर्मिंदा है कि कभी इनके साथ बैठते भी थे। और आगे जाके आपने देखा होगा कि 2.5 साल में महाराष्ट्र खत्म करने की जो बात की है, ना दया ना माया ना शब्द कुछ। आदि जी मतलब आप लोग भी कांग्रेस के ऊपर बोलते थे, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते थे, एनसीपी नेताओं के खिलाफ बोलते थे, वो आपों के साथ खड़े, आपों के साथ पार्टी में है, इंडिया अलायंस में है, कभी आपने सोचा था कि आप लोग शरद पवार जी या फिर कांग्रेस के नेताओं के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए जब वंदनीय हिंदू समाज बाला साहब ठाकरे हमारे साथ थे तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को ओपनली सपोर्ट किया था, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, प्रतिभा ताई को सपोर्ट किया था, कांग्रेस की कैंडिडेट थी, बहुत बार लोकल इलेक्शंस में भी सपोर्ट दिया, क्योंकि ये जो विचारधारा होती है वो विचारधारा राजनीतिक होती है, वैयक्तिक द्वेष की नहीं होती। आज हम जब आए साथ में, महाराष्ट्र के हित में आए, देश के हित में आए, संविधान के लिए आए, जो भाजपा के साथ है वो संविधान विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है। लेकिन इंडियन अलायंस में तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, नीतीश जी लीड कर रहे थे वो चले गए, ममता बनर्जी कहती है कि इंडियन अलायंस में जी ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में हम किससे साथ हैं, हम अकेले लड़ेंगे, तो कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है इंडिया अलायंस में। स्ट्रैटेजी हो तो क्यों बताएं हम, लेकिन आप देखिए ममता जी भी संविधान के लिए लड़ रही है, दीदी वहां संविधान के लिए लड़ रही है, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ जो गुंडागर्दी कर रही है उनके खिलाफ लड़ रही है। अगर आप देखें तो नीतीश जी को तो भाजपा के साथ जाना पड़ा, लेकिन आजकल जितने वादे बिहार के लिए किए थे, जो उनका गठबंधन था जदयू का और भाजपा का, 1.5 लाख करोड़ आने वाले थे, वहाँ 1 रुपया भी आया क्या बिहार के पैकेज में? लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो तेजस्वी यादव अपने जो भी कार्यकाल था उनके बारे में ही बात करते हैं,
जो जॉब्स दिए, जो काम किए, उसके बारे में बात करते हैं। बताइए भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है बिहार में? आज तो यहाँ बीजेपी मनसे के साथ गई है, जिस मनसे ने बिहारी और यूपी को पीटा था। तो फिर क्या यही भाजपा का बिहार का प्रेम है? मैं उसी सवाल पर आ रहा था। महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठाकरे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जिस तरह से राज ठाकरे जी एनडीए में चले गए, हालांकि वो साथ बोले कि मैं सपोर्ट करूंगा, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसको किस तरह लेते हैं आप? मुझे लगता है उन पे कभी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो मनसे का कैडर है उनसे मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूँ कि जिस मनसे ने बिनशर्त पाठिंबा, कोई भी कंडीशन न रखते हुए अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को दिया है, आपने देखा होगा गए 2.5 साल में भाजपा ने सारे यहाँ के जॉब्स उठाए और लेके गए गुजरात में। वेदांता फॉक्सकॉन हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, एयरबस टाटा हो, हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल हो। तो क्या अनकंडीशनल सपोर्ट इसी प्यार के चक्कर में है? आपको क्या मिला, महाराष्ट्र को क्या मिला, हमें क्या मिला, ये कभी नहीं मनसे सोचेगी? और इसी भाजपा को मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस मनसे का आपने सपोर्ट लिया है, उन्होंने ही जैन देरासर के बाहर चिकन टांग के प्रोटेस्ट की थी, इन्होंने ही यूपी और बिहार के लोगों को मारा था, तो ये मनसे चल सकती है आपको? कुछ तो बेनिफिट, कुछ तो राज ठाकरे जी ने सोचा होगा कि आपको कुछ छोड़ के एनडीए में गए। उनसे पूछे, मैं तो कभी बात नहीं करता उनको। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी नारा लगा रही है आपकी बार 400 पार, आप लोग का क्या नारा रहेगा? अब की बार भाजपा तड़ी पर ये देश में नारा लग रहा है, और आप देखिए तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा रहेगा। अपनी आजादी की जंग थी, वैसे ही दूसरी आजादी की जंग है, क्योंकि ये देश स्वतंत्र नहीं रहेगा। अपने देश के जो स्वतंत्र है, आजादी है, वो हमें अगर ऐसे ही रखनी है तो हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग संविधान खत्म करेंगे और चाइना स्टाइल डेमोक्रेसी देश में लाएंगे, इसलिए चाइना के खिलाफ भाजपा बोलती नहीं है। अगर आप ये देखिए तो जो भी नारा भाजपा का था 400 पार का, फिर वो मोदी सरकार पे आया, फिर भाजपा सरकार पे आया, अभी एनडीए पे आ रहा है। अभी पत्रकार पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप अगर आंकड़े नहीं बन पाए भाजपा के तो उनके साथ जाएगी, यानी आंकड़ा बन नहीं रहा है। और जिस वक्त पे भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तभी सबको पता चलता है कि भाजपा हार रही है। कितने आपके हिसाब से बीजेपी और एनडीए कितने आ रहे हैं? मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी। पीएम कौन रहेगा? जो भी देश में जो आवाज आएगी वो है। भाजपा की तकलीफ यह है कि उनको ऐसे लगता है कि एक ही व्यक्ति देश की पीएम बन सकती है। केजरीवाल साहब ने एक कुछ बड़ा बॉम्ब बताया, कुछ बड़ी बात कही है कि शायद वो बदल सकते हैं, पीएम बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि भाजपा का दुर्भाग्य यही है कि उनको कोई दूसरा लगता नहीं है। उनको लगता है 100 करोड़ जनता नालायक है, बाकी एक ही आदमी है जो डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, जो GST गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो स्वच्छ भारत को बंद कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि देश में हर एक कोई लायक है उस पद पर बैठने के लिए और देश को आगे लेके जाने के लिए, चाइना के खिलाफ हिम्मत दिखाने के लिए, किसानों की बात सुनने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए। आदि जी, और जितनी विपक्ष पार्टी हमेशा एलिगेशन लगाती है कि IT हुई, ED हुई, CBI हुई, बीजेपी के इशारे पे काम करती है। बीजेपी कहती है कि हमने इतनी जगह रेड की है, इतने बड़ी मात्रा में करोड़ रुपए घर पे मिलते हैं, उनके बक्से में मिलते हैं, तो ये सब तो सही हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल। और उसी के बाद चंदा दो धंधा लो की स्कीम में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिल जाते हैं भाजपा को, जिसपे रेड हुई है उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स देने पड़े, फिर केस शांत हुई है। या फिर आप मुझे बताइए 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? जब वो हमारे साथ थे तब तक हुआ था, 4 दिन में वहां गए, क्लीन चिट मिल गए, तो सारे दस्तावेज मिल गए आपको क्लीन चिट देने के। आदर्श का घोटाला शहीदों के घर लिए थे या नहीं लिए थे? जब तक यहाँ थे तब तक लिए थे, जब तक वहां गए तो वॉशिंग मशीन पाउडर से क्या क्लीन होके आ गए? तो ये बात भाजपा की जो है, इकबाल मिर्ची के दोस्त रहे थे या नहीं रहे थे, दाऊद से डीलिंग हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीरे टोप है वो प्रधानमंत्री महोदय को दिया, ये महाराष्ट्र का इंसल्ट है। आपके संगठन में पार्टी कांग्रेस हमेशा 26/11 हमले में करकरे जी की मौत पर सवाल खड़े कर रही है। उनके कहना है कि उनकी मौत कसाब की गोली से हुई नहीं है, आपको भी ये लगता है? मुझे लगता है जिन्होंने ये बयान दिया था उनका पर्सनल स्टेटमेंट था, आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी यही कहा है, और जिन्होंने वो किताब लिखी थी उनके भाई मुशरफ साहब आज भाजपा के साथ है, उनसे पूछे। ये विषय नहीं बन सकता। आज विषय है कि जो भी उम्मीदवार है वो राजनीतिक उम्मीदवार, राजनीतिक दल के चेहरे है, और काम करने वाले अगर आप देखें तो वर्षा ताई का ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी काम करती है, तो वो चुन के जाएगी दिल्ली में और देश की सेवा करेगी। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कितनी सीट जीती है? साहब को फांसी देने वाली कांग्रेस ही थी। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कितनी सीट जीती? ज्यादा से ज्यादा, नंबर वाइज ज्यादा से ज्यादा सरकार बनाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में, लेकिन पीएम नहीं बता रहे हैं। देखिए यही तकलीफ है भाजपा को, जो लगता है कि एक ही व्यक्ति बन सकता है, हम तो कह रहे हैं सारे हिंदुस्तानी बन सकते हैं, कभी ना कभी कोई आवाज आएगी, कोई किसी की भी आवाज हो, लेकिन सबके मन की बात और दिल की बात सुनने वाला हो, खुद के मन की बात के लिए। आदि जी, अब मैं ना किसी शख्स का नाम बोलूंगा, आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। हृदय समाज बाला साहब ठाकरे।
दादाजी, उद्धव जी, पिताजी, संजय राउत जी, काका, पीएम नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है भाजपा के नेता है अमित शाह जी, भाजपा के नेता है संजय निरुपम। क्यों मुंह खराब करे? एकनाथ शिंदे गद्दार, श्रीकांत शिंदे क्यों मुंह खराब करे? छोड़ दीजिए, बाकी जो 40 विधायक है मैं सबके नाम तो नहीं बोल सकता, उन 40 के डरपोक, डरपोक गद्दार। राहुल गांधी, मुझे लगता है अच्छे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, भारत जोड़ो से आपने देखा वो चल पड़े, और ये चलना भी बहुत मुश्किल था, कोई दूसरा नेता नहीं किया अभी तक। अरविंद केजरीवाल, एक नेता जो लड़ रहे हैं सत्य के लिए, लड़ रहे हैं सत्य मेवे जयते के लिए लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी जी, दीदी है, बंगाल टाइगर है, टाइगर से लड़ रही है। आखिरी शख्स हैं आदित्य ठाकरे जी, आम नागरिक इस देश का, इस हिंदुस्तान का, जो अपने संविधान के लिए लड़ रहा है, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे जी, खुलकर बात की और पूरे कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो उनके फेवर में रहेंगे। अब सबकी नजरें 4 जून पर रहेंगे कि